चंडीगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन पर लाने के लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गीला कचरा अलग रखा जाए और सूखा कचरा भी अलग रखा जाए। इसी मुहिम को डोर टू डोर कर्मचारी भी निगम की इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज डोर टू डोर गार्बेज कर्मचारियों ने प्रधान धर्मवीर एवं चेयरमैन की अगुवाई में मनीमाजरा स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग की, जिसमें चंडीगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन पर लाने के लिए क्या क्या काम किए जाएं उसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया। इस मौके पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी, प्रधान धर्मवीर, पूर्व मेयर सरबजीत कौर, सेनेटरी इंस्पेक्टर देवेंद्र रोहिला एवं सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो आज जैसे कि नगर निगम ने कोशिश शुरू की है कि हमारी जो रैंकिंग 66 से 12 पर आई है वो सभी इन गार्बेज डोर टू डोर कलेक्टर की वजह से ही आई है। तो आज हम सभी को एक साथ फिर दोबारा इसको नंबर वन के पर लाने के लिए हम सभी का साथ बहुत ज़रूरी है, और जबकि ये कर रहे हैं तो आज मेरे वार्ड में धर्मवीर राणा जी जो प्रधान है डोर टू डोर के, और सैनी जी और सारे वर्कर्स के साथ हमने मीटिंग की है। मतलब उनको यही बताया है कि चार तरह का कूड़ा हमने कैसे हाउस होल्डर से लेना है, कि आपने अपनी वो अपनी तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं कि हमने कि नगर निगम की यही कोशिश है कि आप उनको अवेयर एक तरह का अवेयरनेस है कि आपने एक दिन या दो दिन उनको बताना है। अगर वो नहीं आपको करके दे रहे हैं तो आप अपने इंस्पेक्टर को बता सकते हैं या मुझे आके बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पब्लिक का भी और इनका भी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम नंबर वन पे आ सकेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगी कि सब तक ये मैसेज आपके माध्यम से दे सकूं कि ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप चार तरह का कूड़ा अलग करके दें, अदरवाइज़ नगर निगम इस पर सख्ती बरतेगा। ये एक दो दिन आपको वार्निंग देंगे, दो दिन देंगे नहीं, तीसरे दिन आपके ही घर के आंगन में उस कचरे को फैलाकर वहाँ अलग किया जाएगा। ये पहले भी बात तय हुई थी कि ये सुबह से जब निकलते हैं अपने घर का काम करके, अगर आप उसको घर आने पर भी आप उसको क्या लगता क्या ज़रूरी नहीं है कि आपने चार बाल्टियां रखनी है, कुछ भी लगा सकते हैं, एक डिब्बा या अलग चार तरह का कूड़ा देने में आपको क्या हर्ज, घर बैठे दे रहे हैं जबकि ये तो आपसे लेने आ रहे हैं। अगर आप इस तरह उनसे नहीं कॉपरेट करेंगे तो सख्त इंस्ट्रक्शन दिया जाएंगे कि आप उनके घर के आंगन में वो पूरा कूड़ा फैलाकर उसको वहां से अलग करें, ताकि उनको पता लगे कि कैसे ये अलग करते हैं। बाद में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग हमें आगे जब प्रोसेस करना पड़ता है तो उसमें वहाँ जो ये जाके घेरते हैं, जैसे हम डाइपर कहते हैं और पैड्स कहते हैं, अपने हाथों से अलग करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम इसको पहले ही अलग करके दें ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और आगे जो प्रोसेस हो वो आसानी से हो सके। मेरी जो आज का कार्यक्रम था इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज डोर टू डोर कलेक्टरों को अवेयर करने के लिए उनके सोसाइटी के प्रधान श्री राणा जी और उनके चेयरमैन सैनी साहब ये आए थे कि जो चार प्रकार का गार्बेज है उसके बारे इनको अच्छी तरह अवेयर किया जाए। वैसे तो हम समय समय पर अवेयर करते रहते हैं, लेकिन एक सोसाइटी डोर टू डोर सोसाइटी होने के नाते उन्होंने भी आज आके यहाँ अवेयर किया। कितने पार्टिसिपेट किए? टोटल 34 डोर टू डोर कलेक्टर हैं जो माड़ीवाला टाउन, गोविंदपुरा, डुप्लेक्स और MSC और शिवालिक। इसका उद्देश्य यही था, जैसे कि आपको पता ही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रारंभ हो गया है और चार प्रकार के गार्बेज को अलग करने के लिए 100% सेग्रीगेशन के लिए एक प्रयास चल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले इनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी था, तो इनको हमने अवेयर किया है और आज ये कार्यक्रम रखा था। इसमें हमने अध्यक्ष जी का स्वागत भी किया इन कार्यकर्ताओं ने सभी ने, कि वो नवनियुक्त अध्यक्ष बने थे, रूबरू हो गए, और इसमें हमारे जो एक्स मेयर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, एरिया काउंसलर होने के नाते उन्होंने भी मार्गदर्शन किया। पब्लिक से बस यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि चार प्रकार का गार्बेज अलग अलग करें, हमारी नगर निगम की गाड़ी आपके घर पे आएगी, घर से ही कूड़ा कलेक्ट होगा, मिक्स गार्बेज ना करें, चंडीगढ़ को नंबर वन बनाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि डोर टू गार्बेज कलेक्टर उस अग्रणी पंक्ति में खड़ा है जहां से गार्बेज निकलता है घर से। उस मुहिम के अंदर कॉरपोरेशन की तरफ से भी एक मुहिम चलाई गई कि गीले सूखे को लेकर रैंकिंग को लेकर बड़ा हाई हल्ला मचता था शहर के अंदर। उस की कारण जो कॉरपोरेशन में नगर निगम मैडम आए, कमिश्नर साहिबा, मेयर साहब के सरबजीत कौर मैडम का भी बड़ा सहयोग रहा है पिछली बार भी, कि 62वें नंबर से हम 12वें नंबर पायदान पर आके हमने तय किया, और अब फिर आज मैडम की वार्ड में पार्षद भी हैं यहाँ से और पूर्व मेयर भी हैं, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ इसको कह सकते हैं कि अब हम रैंकिंग वन में आएंगे अब की बार। और हम घर घर जाके, धर्मवीर राणा जी ने, मेरे भाई ने समझाया है कि हम घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गीला सूखा करके दीजिए,
नहीं तो नगर निगम की टीम बहुत सख्ती से पेश आएगी और भारी भरकम चालान भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार हम अच्छे उसमें रैंकिंग में पायदान पे आएंगे, नंबर वन पे आएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए पहुँचे है। तो ये मैसेज आज मुहिम चलाई हुई है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर सोसाइटी ने, बिल्कुल शहर के अंदर सेक्टर वाइज जाके हम अपने डोर टू डोर कलेक्टर को बिल्कुल समझा रहे हैं कि हाउस होल्ड से हमने गिल्ला सूखा लेना है। अगर एक दो फेरी नहीं मानते, हम समझाते हैं उन लोगों को, हाउस होल्ड को, अगर नहीं मानते फिर SI नगर निगम के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है चलान की। तो फिर SI इंस्पेक्टर आके एरिए में उनका चलान करे, फिर वो चलान से भी नहीं मानते फिर दोबारा चलान की प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा चली है, तो फिर उनको डोर टू डोर कलेक्टर भी अपने बिहाव पे कर लेता, जैसे कहीं फिर बुजुर्ग होते हैं नहीं कर पाते, तो एक डोर टू डोर कलेक्टर अपने बिहाव पे करके गाड़ी में अच्छे तरीके से कचरे डालते हैं और 4 प्रकार का कचरा डालते हैं डोर टू डोर गार्बेज, और अच्छे तरीके से काम करता है डोर टू डोर कलेक्टर। यही मुहिम डोर टू डोर कलेक्टर गार्बेज जो सोसाइटी है उसने अपने कलेक्टरों के साथ बिल्कुल अच्छी मुहिम चलाई है, और हमने वादा किया बिल्कुल कमिश्नर साहब से, आला अधिकारी नगर निगम पार्षदों से। आज वार्ड मैडम मेयर एक्स मेयर के वार्ड में पहुंचे हैं, तो यहाँ भी डोर टू डोर कलेक्टर को यही गाइड किया गया भी आप लोगों ने हाउस होल्ड से नहीं झगड़ा करना है, अगर कोई हाउस होल्ड नहीं देता है तो उनको समझाना है, समझाने से नहीं मानता SI को बुला के उनका मौके पे चलान किया जाएगा। तो यही हमने मुहिम चलाई है भाई, शहर को हम नंबर वन लेके आएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।